हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी ऑन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये साउंड का, साउंड पर आपको सेलेक्ट करना है। अब साउंड के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टच वाइब्रेशन। टच वाइब्रेशन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन मिलता है, इस बटन को सिलेक्ट करना है तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी ये टच वाइब्रेशन सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी पेज पे होंगे, ठीक है, या फिर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर होंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे ना तो आपका फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट होगा। ठीक है, ये हर बार इसी तरीके से काम करेगा, जितनी बार आप किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे तो हर बार आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। ये सेटिंग जो है ना टच वाइब्रेशन सेटिंग इनेबल करने के बाद ये सेटिंग कुछ इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये टच वाइब्रेशन सेटिंग को आप अपने मोबाइल फ़ोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है टच वाइब्रेशन। ठीक है, जो सेटिंग का नेम है ना वो आपको पूरा टाइप करना है। ठीक है, इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे ना तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाएगा तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा इस तरीके से। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।